यहाँ जब लूप स्टार्ट होगा तो x का इक्वल में आएगा, तो y यहाँ पे x x से इक्वल रहेगा तो y हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो 1 y प्रिंट करना है तो y पे y 1 प्रिंट होगा। और फिर सेकेंड लूप में जाएगा तो x यहाँ पे तो इंट करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और सेकेंड लाइन में जाएंगे तो x यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 तक जाएगा तो 1 और 2 प्रिंट होगा। इसी तरह से x यहाँ पे जब 3 होगा तो y का वैल्यू 1 2 3 तक जाएगा तो 1 2 और 3 प्रिंट होगा। और इसी तरह से x 4 हो जाएगा तो 1 2 और 3 और 4 हो जाएगा। और जब x 5 हो जाएगा तो लूप से हम बाहर निकल जाएंगे।